हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग भागलपुर, कहलगांव, नाथनगर, पीरपैंती वगैरह वगैरह विधानसभा के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी, पहली बार उतारेगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कितनी सीटों पर जीत होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाथनगर की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर जो है वो जदयू की विधायक अजय कुमार मंडल जी की जीत हुई थी, और 2.6 मार्जिन के साथ। सेकंड पर एलजीपी रहे थे, थर्ड पर जेपीएल रहे थे। लेकिन इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है यहाँ पर, क्या यही रहेगा या फिर यहाँ पर एमआईएम अपना कैंडिडेट उतार रही है या फिर यहाँ पर चेंज होगा। आगे चलते हैं हम लोग। भागलपुर की बात करें तो इनके गांव की एरिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी तादाद मुस्लिम आबादी है, और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या अगर मिला दिया जाए तो अच्छे खासे यहाँ पर पॉपुलेशन है, ऐसे वोटर्स है जो कि एमआईएम को जिता सकते हैं। तो अगर यहाँ पर परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 50-50% है कि यहाँ पर जीत सकती है एमआईएम। तो बहुत अच्छा है ये भागलपुर का एरिया। कहलगांव की बात की जाए तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकती है कहलगांव में, लेकिन अगर सपोर्ट किया तो यहाँ पर भी जीत हासिल हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं पीरपैंती। पीरपैंती में एक ऐसा सीट है जो कि यहाँ पर एससी के लिए कैटेगराइज्ड है, तो यानी ऐसे ही कैंडिडेट यहाँ पर उतार सकते हैं। तो एमआईएम यहाँ पर किसी न किसी एससी कैंडिडेट को ही उतारेंगे यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में। आगे चलते हैं हम लोग। बीहपुर की बात करते हैं। बीहपुर की अगर बात करें तो पिछली बार यहाँ पर जो है आरजेडी कैंडिडेट जीते थे और सेकंड पर बीजेपी रहे थे। इस बार देखना होगा कि क्या ऐसा ही रहता है या फिर समीकरण चेंज में होने देखने को मिलेगा। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है। आप क्या कहते हैं यहाँ पर, इनमें से किस सीट पर? मुझे लगता है कि भागलपुर पर यहाँ पर जीत सकती है मैम, और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।